अरमान अरमान क्या है क्या, मम्मी क्या क्या हुआ क्या ये सब किसने किया डैडी बताओ मम्मी क्या हुआ अरमान राजे मेरा भाई कितना ढूंढा राजे तुझे मेरा दिल कहता था कि तू जिंदा है आ जा यारा जब भी पाला अपने फिर आ जा राजे क्या कर रहा था तेरा भाई है ये राजे राजे बात तो सुन आप भी नजदीक गुनाहगार है जितनी वो आलिया सुखी गिल ने दिया आसमा को धोखा आसमा को लगा बड़ा झटका शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मुर्तजिम जैद और आसमा जाते हैं पड़ोसी मुल्क के लिए पड़ोसी मुल्क आसमा का जाने का प्लान नहीं है वो बस उन्हें मुल्क को पार करवा के वापस आ जाएगी अरमान के पास लेकिन अरमान में सब्र नहीं होता वो आसमा के साथ आता है कि नहीं नहीं अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा आपकी वजह से हुआ मेरे तो ही नहीं आप तो वो आलिया के पास जाओ ना उसके पास अब कैसे मासूम मर रहे हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा ना आपको ना 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 मम्मी को ना डैडी को किसी को नहीं छोड़ूंगा क्यों कर रहा है सर हम तेरी फैमिली है राजे प्यार करते हैं तुझसे अब यही होता है मुर्तजिम कहता है कि तुम्हारी मम्मी पापा ने बोला है कि तुम्हें भी साथ लेकर मैं पड़ोसी मुल्क चला जाऊं और आसमा जब ये सुनती है कि सुखी और उसकी वाइफ ने ऐसा बोला है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है दूसरी तरफ से अरमान आ जाता है आसमा को गले मिलता है और मैं नहीं जाने दूंगा इस तरीके की बातें करने लगता है अब अरमान को भी मुर्तजिम पर गुस्सा आ जाता है एक तरफ पुलिस खड़ी है एक तरफ अरमान जो है वो भी बंदूक लेकर खड़ा है और ऐसे में बंदूक मुर्तजिम के लगती है और मुर्तजिम की मृत्यु हो जाती है आसमा की गोद में जैद है और यहां पर अब ऐसा लग रहा है कि आसमा ही जैद को संभालने वाली है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहां पर आलिया है वो राजा को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है एक बार फिर से उसे मारने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है लेकिन उससे पहले उसे बताती है कि अरमान ने मुझे चुनरी उड़ाई है जिसका मतलब यह है कि अरमान और मेरी शादी हो चुकी है और तुम जानते हो मेरी कोख में अरमान का बच्चा है जहां पर उसने सुखी और बाकी परिवार वालों को आलिया ने बताया है कि उसकी कोख में राजा का बच्चा है तो वहीं पर वो अरमान को यही बात बोलती हुई दिखाई दे रही है खैर आने वाले एपिसोड में अब राजा भी पलटवार करेगा आलिया पर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।